हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे कल 29 मई को निफ्टी 50 में क्या देखने को मिल सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वेनसडे है, जो कि वीकली एक्सपायरी है। और निफ्टी 50 की बात करें अगर, तो निफ्टी 50 में ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक हाई सप्लाई जोन बन चुका है। और इस बात से क्लियरिटी आ रही है कि जिस तरह से उस जगह से प्राइस वापस से नीचे की ओर जा रहा है, एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ये बात हमें समझ में आती है। और कल के लिए जो मार्केट में एक हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा, वो रेजिस्टेंस रहेगा आपका लगभग 22930 के आसपास। मैंने कल के मार्केट में अपने टेलीग्राम पे इस चीज़ को बोला था कि 940 का एक लेवल है जिसको बैंक अगर निफ्टी 50 होल्ड नहीं करता है तो वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और आज ये निफ्टी 50 उसको तोड़ दिया है। अब देखना ये है कि इस पॉइंट से क्या ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये पॉइंट रेजिस्टेंस बन चुका है, कितना, 22930, तो मार्केट 22930-940 के आसपास से आप देखेंगे तो डाउन की तरफ जाएगा। और अगर मार्केट वहां जाकर लौटने की कोशिश करे, देन आप एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री आप करिएगा लगभग 22930 के आसपास, SL लगाइएगा 22950 का। SL क्यों लगा रहे हैं भाई, देखिए हम ज्योतिष तो है नहीं, अगर हम गलत हुए तो हमारा लॉस लिमिटेड हो, तो नो ट्रेड विदाउट SL, क्लियर। SL कभी कभी ऐसा लग रहा हो कि SL लगा लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, SL पहले बाद में ट्रेड, क्लियर है। चलिए, और अगर हम डाउनसाइड के सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट जिंदा है मार्केट में, और ये सपोर्ट निकल के आता है 22790 लगभग 800 के आसपास। मतलब 22800 एक हैवी सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी 50 में, और ये लगभग जा सकता है 22750 तक, ठीक है ना। 22750 तक का एक सपोर्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब सवाल उठता है कि हमें ट्रेड लेनी कैसे है और कब लेनी है, तो हम इन सबको जरा क्लियर करेंगे और हम आपको कुछ दो लेवल्स देंगे सिर्फ, जिनको कल के मार्केट में आपको ध्यान रखना है। पहला लेवल नंबर एक 22930 से 950 का, नंबर दो 22800 से 22750 का। अब ये जो गैप दे रहा हूँ इसको कैसे ट्रेड करना है वो भी समझ लीजिए। जब तक मार्केट इनके बीच में रहता है कोई ट्रेड मत कीजिएगा, नहीं तो आप पक्का फंस जाओगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। आज मैं खुद ट्रेड लेने की सोच रहा था पर मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मौका ही नहीं बना कहीं पे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे मूवमेंट हुए हैं, और जब मूव आया भी है तो उसमें प्रीमियम तब भी डिके हुआ है, मतलब प्रीमियम बढ़ा नहीं, मतलब प्राइस में कमा नहीं पाओगे ऑप्शन बायर। हाँ, लेकिन अगर आप सेलर हो तो डेफिनेटली आप कमा सकते हो। चलिए, इतना समझ में आ गया, ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो समझाता हूँ। किसी वजह से मार्केट अगर ऊपर जाता है, 22930 के आसपास से लौटता हुआ दिखाई देता है, 950 के आसपास से लौटता हुआ दिखाई देता है, तो जैसे ही 22930 को क्रॉस करके नीचे जाएगा, आप तुरंत ट्रेड लीजिए पुट साइड की, और आपका जो SL बनेगा वो बनेगा 22950 का, क्लियर। मोशन कहाँ तक हमें लेना है, 800 के आसपास हमें एग्जिट कर देनी है पोजीशन, लगभग 150 पॉइंट मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, जैसे भी होता है, नीचे आता है 800 और 750 के आसपास से लौटता हुआ दिखाई दे, 800 होल्ड नहीं करता है, नीचे आ जाता है, तो 780, 770, 760 के आसपास से भी लौटता हुआ दिखाई दे, तब एक ऑप्शन बन सकता है। SL लगेगा आपका कितना, 22,8750, और आपके जो अपसाइड के टारगेट रहेंगे वो आज की क्लोजिंग रहेगी, और आज की क्लोजिंग जो हो रही है वो 22,850 के आसपास की हो रही है। ये बातें ध्यान रखिएगा, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट को होल्ड कर लेगा। अगर खुदा ना खास्ता ये सपोर्ट टूट जाता है तो तब तो अपने को लेवल देखने को मिलेंगे 22600 के, बट इतना मत एक्सपेक्ट करो। क्यों,
क्योंकि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तब हम गलतियां करते हैं, और मार्केट में अपने को गलतियां नहीं करनी है। चलिए इसके फ्यूचर में बात कर लेते हैं। आज आप देखेंगे तो फ्यूचर में भी हाई सप्लाई थी, वॉल्यूम थोड़ा कम था, मतलब डिमांड कम थी मार्केट में। आज डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस गिर गया है, कम वॉल्यूम में भी प्राइस गिर गया है। और जहाँ तक देखने को लग रहा है तो यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,800 का फ्यूचर्स का, जो कि इस बात को बता रहा है कि निफ्टी में एक हैवी सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है 22,800 पे, जिसकी वजह से निफ्टी की क्लोजिंग भी 22,800 के पास हो सकती है। अब अगर हम इसको ट्रेड करने की बात करें, तो ट्रेड करने के लिए हमने आपको दोनों लेवल्स याद करा दिए हैं, 22,940 से 930 से 950, और सपोर्ट की बात करें तो 22,750 से 800, ये एक रेंज होगी लगभग, ये 200 पॉइंट की रेंज बन रही है। इसी के बीच में कल हमें निफ्टी 50 घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, अगर कुछ ब्रेक्स डाउन होते हैं तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। मैच मार्केट के बीच में, मैच क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको मैच ही समझता हूँ, इट्स अ गेम विद रूल्स, विद स्ट्रिक्ट रूल्स, तो उसमें आप जुड़ जाइए। जब मेरे को ऐसा महसूस होगा कि मार्केट पलट रहा है या फिर स्ट्रेंथ महसूस होगी, तो मैं डेली वहाँ पे स्ट्रेंथ बता देता हूँ मार्केट की, जहाँ पे जो मेरे को फील हो रहा होता है। मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं यार कि हमेशा सही रहूँगा, पंडित भी गलत होते हैं, ठीक है ना, बट कोशिश की जाती है कि ज़्यादा टाइम सही हुआ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग्स ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा लूजिंग से। तो कोशिश हमेशा यही करिए कि अपनी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस कम लगाइए, और क्योंकि आप गलत होंगे, ये कन्फर्म है आप गलत होंगे, तो ऐसी ट्रेड ही देखिए जहाँ पे स्टॉप लॉस कम बने, प्रॉफिट ज़्यादा बने। और ऐसी अगर आप 10 ट्रेड करते हो, 6 या 7 में प्रॉफिटेबल रहे, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। और फिर उस एक्यूरेसी को बढ़ाओ, 5, 6, 7, 8, 9, हो सकता है कभी 10 में 10 भी आएगी, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, मेहनत कीजिए, सीखने पर काम कीजिए। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।